हेलो एवरीवन, नमस्कार। फिर से स्वागत है इस वीडियो सेशन में। ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का लेक्चर 14 है, 14। इससे पहले 13 मैंने वीडियो आपको दिए हैं, उसी की कड़ी में ये 14वां वीडियो है। इसमें भी मैंने जिन प्रश्नों को कलेक्ट किया है वो मैं दावा करता हूँ कि आप बहुत ही कम देखे होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये, और इनको देखने के बाद, इनको करने के बाद आप खुद से श्योर हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना डिले किए, जैसे हमेशा हम वीडियो को पूरा करते हैं, आप पहले अपना टिक कर लिया करिए, उसके बाद मैं जो बताता हूँ वो आप मैच करिए कि क्या आपका सही है या गलत। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस, जब विश्व दिवस होता है तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो इसको ज़रूर याद रखिए। आप टिक करिए, आई होप आपका सही होगा अगर आपने दिवस याद किए हैं तो। पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण डे है जी हाँ, इसका आंसर है 29 जुलाई। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय उद्यान पे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो आई होप आप सही करें। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान असम, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये 4 ऑप्शन हैं। ओके, आपने लगा लिया, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र नामदफा, अब यहाँ मैंने इसका नाम भी दे रखा है, नामदफा है ये, नामदफा राष्ट्रीय पार्क, तो इससे आपको क्लू मिल गया कि नामदफा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, और यही है विश्व का सबसे ऊंचाई पर बना बाघ आरक्षित क्षेत्र। तो आई होप अब आप गलत नहीं करेंगे, तो आई थिंक आपने सही किया है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश ये इसका आंसर है। हर वर्ष नवंबर माह में मोगली उत्सव किस प्रांत में मनाया जाता है? मोगली उत्सव पूछा जा रहा है, मोगली का नाम आपने सुना होगा, ये कहानी आप सभी ने पढ़ी होगी। तो मोगली उत्सव मनाया जाता है, एक ऐसा स्टेट है इंडिया में, वहाँ पे वनों की महत्ता को और अधिक दर्शाने के लिए उसके उपलक्ष्य में मोगली उत्सव मनाया जाता है। तो ये आपको पहचान के बताना है वो कौन सा प्रांत है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या कर्नाटक। तो आप इसका सही आंसर टिक करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर इसका है मध्य प्रदेश, एमपी में मोगली उत्सव। और अगर आपसे पूछे मोगली उत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो नवंबर माह में मनाया जाता है, तो दोनों चीजों का आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है। भारत सरकार द्वारा कौन से वर्ष को बाघ वर्ष के रूप में मनाया गया था? एक ऐसा वर्ष है जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने उसे बाघ वर्ष घोषित किया था, तो वो काफी महत्वपूर्ण है। तो बाघ वर्ष कौन सा वर्ष था आप पहचान के बताए, 2005, 2010, 2008, 2015, तो इनमें से कोई एक है जो बाघ वर्ष के रूप में मनाया गया था। चलिए आई होप आप सही किए हो, इसका सही आंसर है 2010, 2010 को टाइगर ईयर घोषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा 22 अक्टूबर 2010 को किस पशु को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विरासत पशु। और कब, अगर आपसे ही पूछता है कि वो जानवर जिसका भी आपको आंसर मिलेगा, पूछा गया कि वो कब राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया, तो आंसर यही दिया गया है 22 अक्टूबर 2010, 22 अक्टूबर 2010 को। उस जानवर का नाम है हाथी, जी हाँ, एलिफेंट, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है 22 अक्टूबर 2010 को, तो काफी महत्वपूर्ण है। हाथी संरक्षण परियोजना गजतमे, गजतमे एक योजना का नाम है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि गजतमे योजना किससे संबंधित है, हाथी संरक्षण से संबंधित है। आप पूछा ये कब किस वर्ष चलाई गई, तो ये आपको बताना है 1973, 1972, 1994 या 1992, तो इसका सही आंसर आपको टिक करना है। हाथी संरक्षण परियोजना गजतमे चलाई गई थी 1992 में। देश में पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया था? जब कोई फर्स्ट होता है तो वो इम्पोर्टेंट होता है, तो पहला हाथी पुनर्वास केंद्र पूछ रहा है, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तो फर्स्ट वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ दिया है कि पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया। इसका आंसर है हरियाणा, हरियाणा में प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एशिया का तीसरा एलिफेंट विलेज कहाँ बनाया गया है? इंडिया की बात कर रहे हैं, एशिया का तीसरा जो है वो भारत में बनाया गया, वो कहाँ बनाया गया वो आपको बताना, जयपुर, भोपाल, दिल्ली या हरियाणा,
ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आई थिंक आप सही कर रहे होंगे। ये है आपका राजस्थान जयपुर, यानी कि जयपुर, यहाँ आंसर है जयपुर, राजस्थान में बनाया गया है और जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो यहाँ पे जयपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेव कार्यक्रम का उद्देश्य है मगरमच्छों का संरक्षण, गिद्धों का संरक्षण, हाथियों का संरक्षण, बाघों का संरक्षण। तो इसका आंसर होगा गिद्धों का संरक्षण। गिद्ध को संरक्षित करने के लिए ये जो है सेव एक कार्यक्रम चलाया गया है, और इस सेव का मतलब होता है एस सेविंग, ए से एशियाज, वल्चर, वल्चर मैंने गिद्ध, सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन माने खत्म खत्म होना, समाप्त हो जाना। तो सेव का मतलब है सेव एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। आप नोट कर सकते हैं, ये भी पूछ सकता है कि सेव का फुल फॉर्म क्या है। सेव एशियाज, भारत के गिद्धों का समाप्त होने से संरक्षण, तो सेव एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, तो ये इसका आंसर है सेव। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? भारत का गिद्ध प्रजनन केंद्र बताना है, ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका आंसर है पिंजौर, यानी हरियाणा, हरियाणा पिंजौर में। देखिए आप जानते हैं कि वर्तमान समय में गिद्ध बहुत ही कम बचे हुए हैं, और वो उसके समाप्त होने की वजह खोजी गई तो पता चला कि जो जानवरों को एक दवाई दी जाती थी डाइक्लोफेनॉक, डाइक्लोफेनॉक जो दवाई होती थी उसकी वजह से जो है गिद्ध मर जाया करते थे, क्योंकि गिद्ध जानवरों के मरने के बाद जानवरों को खा लिया करते थे, तो जानवरों के अंदर ये जो दवाई थी डाइक्लोफेनॉक, इसके जो है अंश रह जाते थे, और उसी की वजह से गिद्ध धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गए। तो आज के समय में ये बहुत ही संकटग्रस्त जो है ये जीव है, तो इसके प्रजनन के लिए एक केंद्र बनाया गया वो हरियाणा पिंजौर में है। प्रोजेक्ट गोदावण बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट गोदावण का संबंध किसके संरक्षण से है? प्रोजेक्ट गोदावण ठीक करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपसे पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट गोदावण। ओके आई थिंक आपने लगा लिया होगा। तो ये आंसर है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए ये जो है एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, और इसे वर्ष 2013 में शुरू किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि 2030, अगर आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट गोदावण जो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? 2013 में, और किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो बताना है ये राजस्थान सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था, तो ये भी महत्वपूर्ण है। हंगुल मृग जिसे हम कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं, एकमात्र किस उद्यान में पाया जाता है? तो इंडिया में हंगुल मृग का बहुत ही फेमस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कौन सा है, आप जरा बताइए। तो मैंने इसको कई बार बता दिया है पहले भी, तो ये आंसर आयो, और ये जम्मू कश्मीर में ये राष्ट्रीय उद्यान है। सही आंसर है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। तो ये, और एक चीज जानिए कि ये जो है हंगुल मृग जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है, ये वहाँ का राजकीय पशु भी है। तो आपसे अगर ये पूछे कि जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु क्या है, तो बताना है हंगुल मृग या फिर कश्मीरी स्टैग, ठीक है? तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी भी संख्या बहुत कम बची हुई है, और एक आंकड़े के मुताबिक 1970 के दशक में जो है ये मात्र 150 रह गए थे, जबकि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इनकी संख्या 5000 के आसपास थी, ये 5000 के आसपास थी, लेकिन जब 1970 में इनको काउंट किया गया तो मात्र 150 बचे, 5000 से 150, तो कितना ज़्यादा इनकी जो है ऊपर गलत तरीके से अवैध शिकार किया गया, इनको मार दिया गया, इसी वजह से इनकी संख्या बहुत कम बची है, और केवल जम्मू कश्मीर के दाचीग्राम और राष्ट्रीय उद्यान में ही हैं ये। 1970 के दशक में कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए कस्तूरी मस्क डियर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, कस्तूरी मृग परियोजना भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई थिंक इसको भी आप नहीं पढ़े होंगे तो नहीं लगा पाएंगे, पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आप लगा लेंगे। तो आप टिक करिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ, कस्तूरी मृग परियोजना। ओके तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड, उत्तराखंड में ये चलाई गई थी, और ये जो है कस्तूरी मृग जो होता है हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, जाहिर सी बात है उत्तराखंड के आसपास जो है का एरिया काफ़ी हिली है,
और आपको मैं बताऊं कि कस्तूरी मृग का जो शिकार किया जाता है, इसके अंदर जो कस्तूरी होती है, आपने कस्तूरी सुना, काफ़ी सुगंधित होती है कस्तूरी, कुंडली बस है मृग ढूंढे वन माही, एक आपने बहुत बड़ी फेमस और पंक्तियां भी सुनी हुई हैं। तो वो कस्तूरी नर मृग के अंदर होता है, एक चीज़ जानिए, नर मादा के अंदर नहीं, नर मृग के अंदर कस्तूरी होता है। और कस्तूरी का प्रयोग औषधियों के रूप में और प्रसाधन के रूप में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इनका शिकार किया जाता है और इसकी वजह से इनकी संख्या घट रही है लगातार और ये विलुप्त की कंडीशन में पहुंच गई हैं। और ये जो कस्तूरी मृग परियोजना शुरू की गई थी 1970 के आसपास, 1970 के दशक में शुरू की गई थी। अगर आपसे पूछे कहाँ से शुरू की गई थी, तो इसका आंसर है उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य, उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो याद रखिए कस्तूरी मृग योजना उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य से शुरू की गई थी। लाल पांडा का किस प्रदेश में, लाल पांडा को किस प्रदेश में कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है? तो लाल पांडा भी एक बहुत ही कह सकते हैं कि इंडेंजर्ड एक स्पीसीज है और इसको एक स्थान पे, एक राज्य में कैट बियर भी कहा जाता है। तो वो आपको बताना है कि वो कौन सा स्थान है जहाँ पे इसे कैट बियर कहा जाता है। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में लाल पांडा को कैट बियर भी कहा जाता है, तो ये भी आपको जानना जरूरी था। लाल पांडा की संख्या भी दिन ब दिन बहुत कम होती जा रही थी, इसीलिए 1996 में जो है, या आप सन नोट कर सकते हैं 1996 में, विश्व वन्य जीव निधि जिसको WWF कहते हैं, उसके द्वारा पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क, नाम नोट कर सकते हैं पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क में लाल पांडा परियोजना शुरू की गई थी और ये IUCN के अंतर्गत संकटग्रस्त जीव की सूची में ये है। तो IUCN, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। एक ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, थामिन जो एक विशेष प्रकार का हिरण है के संरक्षण हेतु 1977 में थामिन परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो थामिन परियोजना शुरू कहाँ की गई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके अंतर्गत मैंने दो इन्फॉर्मेशन दी है, एक तो कब शुरू की गई 1977 में, और थामिन है क्या, एक विशेष प्रकार का हिरण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आई थिंक आपने सही लगा लिया होगा। इसका आंसर है मणिपुर, मणिपुर में थामिन परियोजना शुरू की गई थी 1977 में। ओलिव रिडले दक्षिण अफ्रीकी प्रजाति का डेडस है, क्या है ये, कछुआ है, सांप है, मगरमच्छ है, हिरण है? तो ये भी कई बार पूछा गया, बहुत ही फेमस ये जंतु है ओलिव रिडले, आए दिन इसके शिकार की घटनाएं, अवैध रूप से ले जाने की घटनाएं आपको अखबारों में मिलती रहती होंगी। तो ये बहुत ही कीमती और बहुत ही महत्वपूर्ण जीव है, ये एक कछुआ है, ओलिव रिडले कछुआ है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए ये पूछा जाता है। गैंडा परियोजना कब शुरू की गई थी, गैंडा परियोजना आपको बताना है 1975, 87, 1984, 1990, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक आप इसका आंसर लगा चुके होंगे, इसका आंसर है 1987, 1987 में गैंडा परियोजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त जीव गंगा डॉल्फिन जिसको सूंस भी कहते हैं को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, पहले के वीडियोस में भी आपने इसे देखा होगा, जो हमारा डॉल्फिन है ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, लेकिन इसे घोषित कब किया गया था ये आपको बताना है, 5 अक्टूबर 2009 या फिर 5 अक्टूबर 2010, 14 अक्टूबर 2010, 5 मई 2008। तो आई थिंक आपने सही आंसर लगा लिया होगा, इसका आंसर है 5 अक्टूबर 2009। तो ये गंगा डॉल्फिन सूंस और इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 5 अक्टूबर 2009। तो बस इसमें इतना ही, और आपने देखा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे ही मैं पार्ट 15 भी लेके आऊँगा जिनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन रहेगा। आई होप आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करें नए हो तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये पहुँच सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।